लूना 25 को लेकर खबर आ रही है कि वो क्रैश हो गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारा मंडल के एक्सपर्ट बाला चंद्रन जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि वो खबर आपने सुनी होगी लूना 25 जो कि वो भी साउथ पोल पर ही जाने वाला था, लेकिन अब वो क्रैश हो चुका है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये कोई अच्छी खबर नहीं है पूरा दुनिया के लिए, एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के लिए अच्छा खबर नहीं है। लेकिन यही मान सकता कि अभी खबर ये आया कि लूना 25 जो है वो क्रैश कर लिया है। लेकिन कल तो खबर यह था कि सिर्फ उनमें सिर्फ हल्के से ग्लिचेस आए, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन अभी ये पता चल रहा है रॉसकॉस्मोस से ये पता चल गया कि ये पूरा क्रैश कर गया है। ये पता चल रहा है कि उन्होंने अपना ऑर्बिट चेंज करके समय अपना कंट्रोल जब लॉस्ट हो गया तो वो क्रैश कर गया है। क्या लगता है किस तरह से ये झटका है रशिया के लिए, और उस बीच जब भारत में इसको इस तरह से बड़ी नजदीकी से देखा जा रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 भी 23 तारीख को लैंड करने वाला है, तो इसको अब किस नजरिए से आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जो ISRO जो साइंटिस्ट में बिल्कुल नजर रखे होंगे बिल्कुल, क्योंकि सब बिल्कुल एक क्वेश्चन हो गया ये लोग भी, क्योंकि इसके ऊपर ये काम करेंगे। और रशिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, सिर्फ रशिया के लिए नहीं, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स है जो स्पेस साइंटिस्ट है उनके लिए बहुत बड़ा झटका है ये, लेकिन अच्छा नहीं हुआ है ये, यही कहेंगे। क्या शुरुआती जानकारी मिल पा रही है कि क्या दिक्कत क्या रही, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 2 के साथ हुआ ऐसा ही कहा जा रहा है कि वैसा ही कुछ हुआ है लूना 25 के साथ? नहीं, हमारा चंद्रयान 2 के बाद में यही हुआ था कि उस समय लास्ट मोमेंट पे ये क्रैश कर गया, लेकिन ये तो उन्होंने लैंडिंग शुरू भी नहीं किया था, वो ये सिर्फ इनको ऑर्बिटर चेंज करना था, उनको जो लैंडिंग ऑर्बिट पे लेके आना था उस समय इसका कंट्रोल लॉस्ट हो गया, अभी खबर ये मिल रहा है उनसे। अच्छा सर, चंद्रयान 3 भी लैंड करेगा 23 तारीख को, क्या अब मन में एक कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि दो बड़े मिशन, एक रशिया चला रहा था, एक हमारा अभी देश इंतजार कर रहा है और उम्मीद लगाए हुए है कि सक्सेसफुली वो लैंड करेगा, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप लोग भी नजर? देखिए, हमें तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें इसको कुछ गलत नहीं सोचना, कि हमारा पूरा उम्मीद है, पूरा भारत के जितने भी भारतवासी है उनका सबको उम्मीद है ये सक्सेसफुली कम्प्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल तैयारी में है, मैम इसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी में बैठे हम। क्या फर्क था सर लूना 25 में और चंद्रयान 3 में, क्या फर्क आप देख रहे हैं और क्या चीज है जो हमारे पक्ष में जा सकती है और लूना 25 के पक्ष में नहीं गया? देखिए, हमारा चंद्रयान बहुत ज्यादा टाइम लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें फ्यूल का भी प्रॉब्लम रहता है, उनका फ्यूल कुछ ज्यादा फ्यूल उन्होंने यूज किया है, और हमारा जो बिल्कुल ऑर्बिट के साथ निकलते गया है, और हमारा जैसे सॉफ्ट लैंडिंग उनको भी करना था, हमारा भी सॉफ्ट लैंडिंग होना था, अनफॉर्चुनेटली उनका वो वहां पर क्रैश कर गया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन ये देखा जा रहा था कि रशिया का पहले लैंडिंग करेगा, ये बात एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी चलने की बात हो रही थी, और अब इस तरह की खबर आ रही है? नहीं, इससे कुछ नहीं है, अगर लैंडिंग उनका भी पहला होता कोई फर्क नहीं पड़ना था, एक जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई हेल्दी कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है अब उनका जो ग्लिचेस है वो बिल्कुल सही नहीं कर पाया होगा, यही जो टेक्निकली क्या हुआ है पूरा डिटेल तो अभी आया नहीं है, एक दो दिन में शायद ये रशिया ये बाहर दे देंगे न्यूज वगैरह। पूरे जो स्पेस साइंटिस्ट है वो उनके लिए सभी के लिए झटका, ना सिर्फ रशिया के लिए आते कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल सबके लिए एक झटका ही है, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं भाई जो मिशन यहाँ से भेजा जाता है वो सही सलामत लैंड हो, सब लोग यही चाहते हैं, ये नहीं कोई क्रैश कर रहे हो, कोई नहीं सोचता होगा इसे। बहुत शुक्रिया बालाचंद्रन जी, जो कि एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि जो रशिया का लूना 25 था वो क्रैश कर गया है, और साथ ही वो न सिर्फ रशिया के लिए बल्कि जो पूरी दुनिया के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके लिए झटका, इस वजह से क्योंकि अगर कोई भी मिशन कामयाब होता है तो सिर्फ उससे वो संबंधित देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नई जानकारियां मिलती हैं, नई रिसर्च सामने आती है। ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर जो भारत के एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अभी भी बेहद सकारात्मक हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं कि वो सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 लैंड करेगा, लेकिन लूना 25 अनफॉर्चुनेटली वो लैंड नहीं कर पाया, और ऑर्बिट चेंज करते वक्त ऐसा कहा जा रहा है शुरुआत में, डिटेल्स अभी आना बाकी है।